फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और रीना ब्लॉग्स में आप सब। तो आज मैंने क्या क्या किया, तो उसी की मैं सारी आज आपको अपडेट दूंगी कि मैंने क्या क्या किया है। 3-4 बजे नहीं और भूख लगनी शुरू हो जाती है, और फिर मैंने फटाफट से, अब विशाल बोला कि फ्रेंच फ्राई खाएंगे, तो हमने दोनों ने मिल के आलू काटने शुरू कर दिए। और फिर आलू काट लिए तो पानी में ही हमने 3 आलू के हमने छिलके उतार के, और फिर हमने इसको पानी में ही रख लेना है ताकि ये काले ना पड़े, और फिर अच्छे से कट करके, और फिर मैंने उबलना पानी रख दिया था, इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया है, और इसको उबाला ज़्यादा नहीं देना, सिर्फ 5 मिनट के लिए ही करना है, और फिर हम इसको निकाल के रख लेंगे। और निकालने के बाद फिर हम इसको थोड़ा सा, ये देखिए मैंने किस में निकाला है, इसको इसमें निकाल के सारा पानी निकाल देंगे, और फिर हम इसको ये ऐसे करके किसी कपड़े से पूछ के, और फिर हम एक थाली में इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा बस हम बेसन इसमें अच्छे से मिला लेंगे, क्योंकि हम नमक तो हमने पानी में ही डाल दिया था, इसको मिला के और हम 1 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रख देंगे। फिर मैंने फ्रिज में रखने के बाद मैंने अपनी कढ़ाई रख ली है, और हम इसको आधा आधा करके तल लेंगे। पहले एक बार हम इसको थोड़ा कच्चा कच्चा तलेंगे, और फिर मैं सारे जब फ्रेंच फ्राई तल लूँगी, फिर मैंने इसको फिर से 15-20 मिनट के लिए पंखे के नीचे सुखाने के लिए रख दिया है। उसके बाद फिर से मैं दोबारा से इसको तलूंगी, और हमारे बिल्कुल क्रंची फ्रेंच फ्राइज तैयार हो जाएंगे, टेस्टी, जो बाजार से जैसे मिलते हैं ना आपको, बिल्कुल वैसे ही फ्रेंच फ्राई मिलेंगे, इसमें कोई भी शक नहीं है, और जैसा बाजार जैसे मिलते हैं ना बिल्कुल वैसे ही मैंने बनाए हैं। और ये देखिए बिल्कुल ऐसे छन छन की आवाज़ आएगी जब बनेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे ऐसे ही मैं आपके सामने और भी मोटिवेशनल वीडियो लेके आती रहूं। तो ये देखिए बिल्कुल फ्रेंच फ्राई हमारे लाल लाल हो गए हैं, और फिर हम इसमें अपने नमक मसाला वगैरह लगा के और हम इसको खा सकते हैं। और अब मैं इसमें देखिए दूसरे वाले भी जो बचे हुए हैं ना हमारे, वो भी मैं फ्रेंच फ्राई तल लूँगी, और तलने के बाद हमारे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जब हमारे साथ, ये देखिए कैसी आवाज़ आ रही है, इसमें बिल्कुल छन छन की आवाज़ आ रही है। तो ये देखिए अब मैं इसमें अपने नमक मिला रही हूँ, विशाल पहले ही अपने लेके जा चुका है, और तो मैंने अपने इसमें नमक वगैरह गरम मसाला वगैरह मैंने थोड़ा सा मिला लिया है, और जिससे ये टेस्टी लगेंगे, और आप चटनी वगैरह के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। उसके बाद शाम हो गई थी, तो फिर मैंने गाँव के बीचों बीच मंदिर है, पूजा आरती करते हैं तो बहुत मन को शांति मिलती है। फिर मैंने अपनी जोत बत्ती की और माता रानी के भी दर्शन किए, साथ में ही माता के मंदिर था, और फिर हम वहीं से सास बहू दोनों निकल लिए, हमने वॉक की अच्छे से, और आने के बाद फिर हम अपने घर पे आ गए थे। तो ये देखिए थोड़ा सा प्रसाद वगैरह चढ़ा रहे हैं, और ये फिर बाहर से दर्शन की माता के मंदिर के, और अब यहाँ पर साथ में ही माता का मंदिर है, ये देखिए माता के मंदिर में भी जोत लगाई थी, और फिर हम अपना सैर के लिए निकल लिए, और सैर से थोड़ी ज्यादा, आप सोच रहे होंगे कि ये माथे पे क्या लगा रखा है, तो मंदिर में जो उसने पंडित जी ने बहुत दी थी ना, तो उसी का ही टीका लगाया जाने के बाद बहुत ही